सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक बहुत ही कमाल की टॉय ट्रेन की, जो कि भाइयों इस बॉक्स के अंदर बंद है। इस बॉक्स को हम लोग ओपन करें उससे पहले जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी नहीं करा है। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको हमारी टॉय की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं, ताकि मुझे तो पता चले कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो गाइस, इस टॉय ट्रेन को मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है, तो ये दोस्तों 350 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बार्गेनिंग करके हम लोग इससे भी कम करा सकते हैं और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। चाहिए होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ट्रेन देखने को मिलेगी, लेकिन जल्दी से हम लोग इसे ओपन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों मैंने चेक करके लिया था, तो सेल भी दोस्तों डाले हुए हैं इसके अंदर, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि चेक करके चीजें लेनी चाहिए। वैसे सील पैक हो तो कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग बाहर निकालते हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर हमें इसकी कुछ पटरियां दिख रही है और इसके अंदर दोस्तों हमें कुछ और मिलता है कि नहीं, तो गाइस आप लोग देख लीजिए बॉक्स एकदम हो चुका है खाली। और इसको रखते हैं हम लोग गाइस साइट में क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे पैकेज में दोस्तों हमें मिलती है हमारी ये वाली छोटी सी टॉय ट्रेन को निकालू उससे पहले आप लोग इसकी पटरियां देख लो। और यहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है कि कौन सा साइन कहाँ पे यूज करना है। तो ये गाइस स्टिकर दिए गए हैं, ताकि ये स्टिकर गाइस इसमें चिपकाने हैं, इन सारे स्टिकर को हमें चिपकाने हैं। स्टॉप कहाँ पे लगाना है, वो कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे दोस्तों सारे स्टिकर है तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गाइड भी नहीं दी गई कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो शेप मिलेगा उस शेप में हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे कि गाइस ये देखो क्रॉस वाला साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस वाला भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपस में ये जुड़े हुए हैं, तो इनको दोस्तों हम लोग अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि सारी चीजें भाई अलग अलग हो जाएगी। जहाँ पे हमें इसे यूज करना है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि भाई ये क्रॉस वाला हो गया, ये बता नहीं डंडी क्या दी गई है, इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा। यहाँ पर गाइस देखो इसको भी हम लोगों ने निकाल लिया है, यार लगा के देते तो अच्छा होता भाई, यहाँ पर तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर पता नहीं ये क्या दिया गया है। ओके 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 ओके, तो ये दोस्तों जो चीज है इसके ऊपर दोस्तों ये सारी चीजों को लगाना है कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए दोस्तों दिया गया है। चलो कोई नहीं, हम लोग जल्दी से इसको ऐसे कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाकी का तो वेस्ट है। आप लोग देखिए ये जो वेस्ट है इसको रखते हैं अंदर। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक और चीज मिलती है कुछ इस तरीके से, इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे फटाफट। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम लोग कि कौन सा हम कहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इसे सेट करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसे लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये लग चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, जैसे कि ये राउंड वाला है तो राउंड में लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो कौन सा कहाँ पे यूज करना है वो जल्दी से मैं कर लेता हूँ इनकी मदद से, क्योंकि यही हमारे काम आएगा अभी। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स के ऊपर जो छपा हुआ उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ, तो ये काम आ गया गाइस, ये इसके लिए है। तो गाइस सारा कुछ मैंने सेटअप कर दिया, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके के सारे मैंने बना लिए हैं जो कि ट्रेन में अभी यूज होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्टिकर दिए गए हैं इनको चिपकाना है, जैसे कि भाई वो ये वाला जो है ये वाला स्टिकर इसमें लगेगा, ये जो क्रॉस दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला स्टिकर हम लोगों ने निकाल लिया है, अभी इसको इसके साथ चिपका देते हैं। अगर ये लगा के दे देते तो भाई हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन इसमें भी मजा आ रहा है, मतलब कि समझ लो आप लोग इन चीजों को करने में। भाई वो देखो ये लग चुका है इसमें। अभी यहाँ पर दोस्तों एक और चीज लगेगी, जैसे कि गाइस यहाँ पर दिया गया है ये वाला जो आप लोग देख रहे हो, इसको लगाना है इस बिंदी को इसके बीच में। तो यहाँ पर गाइस देखो मैंने सारे जो सिग्नल थे वो लगा दिए हैं, मतलब कि छह चीजों में लगा दिए हैं। लेकिन गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, तो यहाँ पर देखो स्टिकर और भी बचे हुए हैं जो कि लगेंगे भाइयों हमारी इस ट्रेन में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी ट्रेन हमें मिलती है, तो कुछ इस तरीके की ट्रेन मिलती है और इसके अंदर भाइयों लगती है 2 सेल यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से स्क्रू निकाल के हम लोग लगा सकते हैं, जो कि जहाँ से मैंने चेयर लिया है वहाँ पे ऑलरेडी लगा के दिया है, तो दिखाने की जरूरत वैसे भी नहीं है। 2 सेल लगते हैं बड़े वाले। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी ट्रेन में मिलती है, और यहाँ पर दोस्तों हमें जो स्टिकर मिलते हैं आप लोग देखो, ये जो स्टिकर दिए गए हैं भाई वो ट्रेन में चिपकाने के लिए, तो मैं ट्रेन में जल्दी से चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस कुछ इस तरीके से चिपक जाएगा, अभी साइड में भी लगा देते हैं दूसरा वाला स्टिकर। तो यहाँ पर गाइस 2 स्टिकर लग चुके हैं, यानी कि ट्रेन थोड़ी सी और अच्छी लग रही है। इनको रखते हैं साइड में और फटाफट दोस्तों हम लोग सेटअप करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म को, फिर भाइयों आपको दिखाते हैं कि कैसी ट्रेन चलती है हमारी। तो गाइस इसमें जो लॉक देखो आप लोग कुछ इस तरीके से लग जाएगी और राउंड राउंड घूमेगी, तो यहाँ पर सही तरीके से दोनों को लगा देना है। तो हमारा भाई एक पटरी तैयार हो चुकी है।
तो फाइनली दोस्तों जो हमारी टाइल्स है उसके बराबर की भाई पटरी तैयार हो चुकी है। और आप लोग देखो यहाँ पर ट्रेन गाइस इतनी है, हमारे मतलब के हाथ जितनी है। और पटरी भाई आप लोगों को समझ में आ रही होगी कितनी है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो पटरी काफी ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा देता हूँ कि कैसा सीन आता है इसका। तो यहाँ पर गाइस इसको हम लोग ऐसे रख देंगे पटरी के ऊपर सही से, और इसकी जो स्विच है गाइस वो चालू कर देंगे। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने अपनी सेटअप कर दी है ट्रेन, और अभी दोस्तों हम लोग चलाते हैं इसको। वैसे ऊपर से तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ से साइड से देखोगे तो काफी सही लगेगी। तो यहाँ पर गाइस हम लोग इसका जो बटन है ऑन कर देते हैं, इसे भाई हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसमें एक स्विच दी गई है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ गाइस, ये रही जो स्विच देख रहे हो यहाँ पर, इसको केवल ऑन करना है और ये चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसे सही से रखना पड़ेगा ताकि सही से चले। अब रख दिया गाइस हम लोगों ने सही से इसको, और अभी गाइस इसका जो स्विच है ऑन कर देते हैं हम लोग, और चालू हो चुकी गाइस। तो गाइस कुछ इस तरीके की हमें ट्रेन देखने को मिलती है, और इसे शायद बुलेट ट्रेन कहते हैं, और स्पीड भी काफी सही है इसकी, ऐसे घूमती रहेगी एक ही जगह पे। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।